सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज के वीडियो का टॉपिक है भाई, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन कॉलेज। तो आज के वीडियो में आपको 7 स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। यहाँ पे कोई इमेजिनरी वर्ल्ड नहीं बताने वाला, यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से मैंने अपने कॉलेज में बिजनेस शुरू किया था और उससे पैसे जनरेट किए थे। वो मेरा फर्स्ट बिजनेस था। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले ये वीडियो की लाइक टारगेट मैंने रखी है 250 लाइक, तो यार फटफट वीडियो को लाइक कर दो। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि भाई मेरा तो मेन एक ही मोटिव है कि मेरे को अपने ऑडियंस को स्मार्ट बनाना है कि किस तरह से वो आज के ज़माने को एक्सेप्ट कर पाए और यहाँ पे लिविंग अपनी बना पाए। तो चलो शुरू करते। तो चलो आ जाते स्टेप 1 में। स्टेप 1 कोई भी बिजनेस क्या होता है पता है, वो है फाइंड अ प्रॉब्लम। कैसी क्या प्रॉब्लम है जो आप या फिर आपके आजू बाजू के लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्या आपने को बिन ताले की चाबी नहीं बनानी है, ऐसी नहीं चीज़ बनानी है जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, समझ रहे हो? ऐसी चीज़ बनाओ जिसकी अभी मार्केट में ज़रूरत है। जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो लेकिन आप उस प्रॉब्लम से उड़ी मार के चले जाते हो, सॉल्व नहीं कर रहे हो कि ठीक है सब फेस कर रहे हो तो मैं भी करूँ, नहीं, उसको पकड़ो और उसको सॉल्व करो, समझ रहे हो? तो सबसे पहला आप जो स्टेप है वो है प्रॉब्लम। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं अपने थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में था और जब लोग थर्ड ईयर और फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में आते हैं ना, तो प्लेसमेंट आनी शुरू हो जाती है। और प्लेसमेंट का सबसे पहला टेस्ट कौन सा होता है पता है? एप्टीट्यूड का। अब एप्टीट्यूड में आपको पता है 60-70% लोग पहली बार से दूसरी बार में नहीं क्रैक कर पाते। क्यों? क्योंकि एक तो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, दूसरा अंडर प्रिपरेशन होते हैं, मतलब उनको अनप्रिपेयर्ड होते, उतनी उनको तैयारी नहीं होती क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है कितनी तैयारी करनी है एप्टीट्यूड की, बहुत ज़्यादा करनी है, कितना टाइम डालना है, किस तरह से करना है। कॉलेज आपको एक सोल्यूशन देता है, कहाँ 2000 का कोर्स खरीद लो, हमारा कॉलेज का प्लेसमेंट का हो जाएगा। अरे भाई 2000 का कोर्स में आप सैटरडे संडे 8-8 घंटे बिठा रहे हो, वहाँ पे इतना अपन बैठ भी पाते हैं क्या? तो यार अपने को मोटा मोटा पता चल गया था कि ये प्रॉब्लम है, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 ये है कि सोल्यूशन निकालो उसके और एक प्रोडक्ट क्रिएट करो। तो मैंने प्रॉब्लम तो समझ ली थी कि एप्टीट्यूड में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैंने सॉल्यूशंस के लिए रिसर्च की कि किस तरह से एप्टीट्यूड क्रैक किया जा सकता है और ऐसा क्या प्रोडक्ट मैं बना सकता हूँ। तो भाई अपन ने 1 महीना पूरा रिसर्च किया, अपन ने समझा कि हाँ, और मेरी स्किल्स भी इसमें अलाइन थी कि मैं पढ़ा सकता हूँ। तो आपको आपकी स्किल्स अलाइन होनी चाहिए, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम मुँह उठा के मत उठा लेना कि हाँ ठीक है प्रॉब्लम है, आप अपनी स्किल से क्या उसको सॉल्व कर पाते हो, समझ रहे हो क्या? तो ऐसी प्रॉब्लम उठाओ जो आप सॉल्व कर पाते हो, समझ रहे हो? तो मैंने सोल्यूशन निकाला। सोल्यूशन मेरे को मोटा मोटा ये निकला कि देखो भाई शॉर्ट एंड ऑप्टिमाइज वीडियोस होने चाहिए 10 मिनट से 15 मिनट के, जिसमें ट्रिक्स होनी चाहिए ताकि लोग ट्रिक्स समझ पाए, कॉन्सेप्ट समझ पाए। उसके बाद एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पे नोट्स होने चाहिए, प्रैक्टिस प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो अपन ने समझ गया कि ये मोटा मोटा है। तो इसका सोल्यूशन मैंने क्या निकाला, मैंने कोर्सेज बना दिए, 30 वीडियोज़ बना दिए और हैंडमेड नोट्स बना दिए जिसमें मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम डाल दिए कुछ 200, आप समझ रहे हो? तो ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। हाँ प्रोडक्ट बन गया। इसको मैंने होस्ट, अभी तो बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे होस्ट कर सकते हो, आप यूडीमी पे होस्ट कर सकते हो, आप क्लास प्लस पे होस्ट कर सकते हो, आप टीचरवेल पे होस्ट कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, पहले नहीं थे। तो अपन ने भाई दोस्त से वर्डप्रेस वेबसाइट के बारे में जाना और जुगाड़ करके फ्री में एक वर्डप्रेस वेबसाइट होस्ट कर दी कहीं ना कहीं से और वहाँ पे अपना कोर्स लॉन्च किया, क्लियर है? तो ये अपन ने कर लिया था सोल्यूशन विद द प्रोडक्ट। लेकिन अब तक मेरे प्रोडक्ट को कोई जानता नहीं है, सिर्फ बना लिया है कि हाँ ठीक है मेरे पास सोल्यूशन है, किसी को नहीं पता। तो स्टेप 3 क्या है? आपने सही गैस किया, स्टेप 3 है मार्केटिंग। लोग बहुत शर्माते हैं, बहुत ऐसा लो फील करते हैं कि मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताऊँ, किस तरह से अपने दोस्तों को बोलूँ। अरे क्यों नहीं भाई, तो एक प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन दे रहा है, तो कुछ बुरी चीज़ नहीं बेच रहा, तो अच्छी चीज़ बता रहा है, एक प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन बता रहा है। तो कभी भी अपनी मार्केट करने को अपनी चीज़ों को मत डर। तेरे पास सोना है लेकिन अगर तू अपने घर में रखेगा तो फिर क्या फ़ायदा, समझ रहे हो क्या? अगर तेरे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन तूने उसको ऐसा रखा हुआ है, दबा के रखा है, तो नहीं मतलब है, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब मार्केटिंग 18 वेज की होती है, कितनी, 18 तरह की मार्केटिंग होती है, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, ईमेल मार्केटिंग हो गई। तो ये सब आप समझोगे कहाँ से? तो ट्रैक्शन करके किताब है, उसकी लिंक मैंने दी गई है, उसके एक शॉर्ट ऑप्टिमाइज वीडियोस भी है समरी करके, उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली है, वो 2 वीडियो देख लोगे ना भाई तो आप समझोगे दुनिया में 18 वेज की मार्केटिंग क्या होती है। अब उसमें से आपको कौन सी सही लग रही है, आप कौन सी कर सकते हो वो बता दो और फिगर आउट करो और मार्केटिंग करना शुरू कर दो। मैंने क्या किया था, मैंने देखा भाई, देखो मेरे को तो उतना नहीं पता था, अपन ने बोला देख मेरे पास 30 वीडियो है तो 6-7 वीडियो जो मेन मुद्दे है ऐसा लगता है कि और बहुत तगड़े वीडियो है, तो उनको क्या करूँगा यार, जिनको इंट्रोडक्शन वीडियो है मैंने उनको क्या किया, मैंने यूट्यूब पर डाल दिया, ठीक है, मतलब फ्री में डाल देते तो मेरा क्वालिटी पता चलेगा, लोगों को काम पता चलेगा। फिर मैंने क्या किया, छोटे से बैनर्स बनाए कि मेरे पास कोर्स है जिसमें वीडियोज़ है, नोट्स है और 299 का मैं बेच रहा हूँ, दोस्तों को वाला यार स्टोरी डाल देना भाई,
तो मैंने कोर्स किया और लिंक अपने दोस्तों को मार्केट करी। शर्म आती है लोगों को, शर्म किस तरह, दोस्त किस काम के, फिर भाई अपनी मार्केटिंग नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, एक दोस्त दूसरे दोस्त को सपोर्ट ही तो करता है ना। तो मैंने दोस्तों को बोला तू शेयर कर देगा, शेयर कर देगा, शेयर कर देगा। तो मैंने जब 30-40 लोगों को बोला तो 10 लोगों ने डाला, और ये नॉर्मल है। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डालनी शुरू कर दी, लोगों को वैल्यू दो अपने काम से। यूट्यूब पे जब मैंने वीडियो डाली ना तो यूट्यूब में वो वीडियो तगड़ी थी, इसलिए वो वीडियो चल भी रही थी, समझ रहे। मैं ये नहीं कह रहा था सिर्फ कोर्स 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 कोर्स, मैं वैल्यू दे रहा था, बोला यार ये देख यहाँ से तुमको समझेगा कॉन्सेप्ट। तो लिंक्डइन पे भी कभी डाल रहे हो तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम डालो, समझ रहे हो, यहाँ पे ट्रिक्स डालो कि एक 30 सेकंड या फिर 1 मिनट की आपने ट्रिक्स सॉल्व कर दी, तो वैल्यू दो। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन पे आप डाल सकते हो भाई, प्रैक्टिस प्रॉब्लम ये चीज़ें। तो अब जब लोगों को बताओगे कि मैं बनाता हूँ एप्टीट्यूड के बारे में, तो लोगों को पता चलेगा। तो मार्केटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने कुछ तरीके आपको बताए जो मैंने यूज़ किए। तो आपने क्या किया, थर्ड स्टेप क्या है, मार्केटिंग करो अपने प्रोडक्ट के बारे में जो लोग नहीं करते, और सीखो मार्केटिंग किस तरह से किया जाती है। शुरुआत में तो अपन अनपेड ही करेंगे, जुगाड़ वाला, और एक बार आपके पास पैसे आए तो आप पेड मार्केटिंग कर सकते हो, लेकिन फिलहाल जुगाड़ वाली मार्केटिंग भी करनी है कि किस तरह से कर सकते हैं, इतना क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या किया, स्टेप 4 है, वो है सेल योर प्रोडक्ट। तो आपको सेल्स सीखनी पड़ेगी, लोग बोलेंगे अरे नहीं, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो वो क्यों बेहतर है, समझ लो, क्योंकि आप गलत चीज़ तो नहीं बेच रहे, अच्छी चीज़ बेच रहे हो। तो आपको सेल्स करना पड़ेगा। जब आपके पास लोग क्वेरी लेके आएंगे कि अरे ये है वो है ऐसा वैसा आज नहीं कल, तो आपको उनको जवाब देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, अपने दुनिया भर को 50-100 हज़ार कोर्स नहीं बेचने, आपको सिर्फ पहले 10 प्रोडक्ट बेचने, और आपको डिसाइड करना है कि मैं 10 प्रोडक्ट बेच के रहूँगा, समझ रहे हो। तो स्टेप 4 क्या है, सेल योर प्रोडक्ट टू 10 पीपल 10 कस्टमर्स, क्लियर है। स्टेप 5 पे आ जाते हैं, बेच दिया। स्टेप 5 क्या है कि बेचने के बाद लोग क्या करते हैं, हाँ हो गया मस्त मजे, भाई मजे किधर, अभी तो असली काम शुरू हुआ है। उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास रहेगी जिनको आपने अपना कोर्स भेजा है, क्योंकि वो ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। स्टेप 5 ये है कि फीडबैक ले अपने कस्टमर्स से, क्योंकि कस्टमर्स का फीडबैक बहुत सीरियसली लेने का, भाई अमेजन अपने कस्टमर्स का फीडबैक बहुत सीरियसली लेता है, अलीबाबा अपने कस्टमर्स को भगवान मानता है, तो वो तेरे कस्टमर्स है यार, उनसे फीडबैक ले कि हे आफ्टर अ मंथ और आफ्टर 2-3 वीक्स कि आपने हमारा कोर्स लिया था, आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, आपकी कैसे इसकी हेल्प हो रही है आपके प्लेसमेंट में, आप समझ रहे हो, एंड व्हाट कैन वी इम्प्रूव। सिंपल सी आपका ईमेल है, आप कर सकते हो लोगों को। जब आप 10 लोगों को करोगे तो शायद से 6-8 रिप्लाई आएगा, उसमें से 50% रिप्लाईज में ये होगा कि मेरे को आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा और मेरी प्लेसमेंट में भी मदद हो रही है, मेरी तैयारी अच्छे से हो रही है, क्लियर है। तो अब तक जो आपका स्टेप 2 तक प्रोडक्ट था कोई नहीं जानता था, पर अब आपका प्रोडक्ट आपने 10 लोगों को बेचा और 3-4 आपके पास टेस्टिमोनियल्स है, अब ये आप स्टोरी में डाल सकते हो कि मेरा कोर्स है भाई, लोगों ने लिया और देखो लोग क्या बोल रहे हैं मेरे प्रोडक्ट के बारे में, इतना क्लियर है। कुछ लोग ये भी कहेंगे, आपको इम्प्रूवमेंट बताएंगे कि भाई ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, शायद से कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम होती तो और अच्छा लगता, एक और वीडियो कुछ और एग्जांपल के साथ होता तो और अच्छा लगता, तो बोला हाँ सही बात बोल रहे हैं, तो उसको सीरियसली लो। तो स्टेप 6 क्या है, स्टेप 6 ये है कि अपने कस्टमर्स को सीरियसली लो और अपना प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट करो। तो अब तक आपने बीटा वर्जन निकाला था, अब आप एक और 1.1 निकाल रहे हो, समझ रहे हो क्या, तो एक नया बेटर वर्जन निकाल रहे हो। स्टेप 7 है कि जो पैसे आ गए उससे नए कपड़े ले लिए, यो स्केटबोर्ड खरीद लिया, जूते ले लिए, पार्टी कर ली, ऐसा नहीं करना है, आपको आपका पैसा वापस इन्वेस्ट करना है, क्योंकि बिजनेस 100 मीटर का रेस नहीं है भाई, ये लंबा गेम है। क्या है, लंबा गेम है। तो जो भी पैसे आए उसमें से कुछ आप रख सकते हो, लेकिन बाकी पैसों को आपको वापस री इन्वेस्ट करना है। अब तक अपन अनपेड मार्केटिंग कर रहे थे, आपको पेड मार्केटिंग के बारे में सुनना है, किस तरह से फेसबुक ऐड रन की जा सकती है, किस तरह से इंस्टाग्राम ऐड रन की जा सकती है, ताकि मैं ज़्यादा लोगों तक ऑडियंस तक पहुँचाऊँ, क्योंकि हमेशा अपन जुगाड़ नहीं करेंगे ना। तो आपको आपका पैसा बेटर प्रोडक्ट बनाने में और बेटर मार्केटिंग में करना है। लोग सिर्फ प्रोडक्ट बनाने में फोकस करते हैं, ये गलत कर रहे हो आप लोग, आपको बेटर प्रोडक्ट बनाने में और बेटर मार्केटिंग में करना है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और मार्केटिंग बुरी है तो फिर भी मतलब नहीं, और मार्केटिंग बहुत अच्छी लेकिन प्रोडक्ट में दम नहीं है तो भी मतलब नहीं। तो उसको 50-50% हमेशा रखना, क्लियर है। तो ये था 7-स्टेप प्रोसेस। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कोर्स बनाओ, ये तो मैंने बनाया था मेरे टाइम पे, आप समझ रहे हो कि आप कुछ भी करना सकते हो। यार अभी मर्चेंडाइज है, लोग जो टी शर्ट है उसमें नाम लिखाना है, हर कॉलेज में होता है, अब जो लिख रहे हैं एक जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, पर जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत महंगा दे रहे हैं। तो मैं खुद गया मार्केट में रिसर्च किया, टी शर्ट निकाला, क्वालिटी प्रिंट कौन देता है, और उससे मैंने एक अफोर्डेबल रेट में ये निकलाया। तो इसमें भी यही है ना, प्रॉब्लम सोल्यूशन, मार्केटिंग, सेल्स, फीडबैक, फीडबैक पे इंप्रूवमेंट और री इन्वेंट। आप कोई भी प्रॉब्लम ले लो, ये जो 7 स्टेप है ना आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, क्लियर है।
तो ये था मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपके लिए एक वीडियो, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस इन कॉलेज। देखो भाई, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, और अच्छा लगा था अपने सारे दोस्तों को शेयर करो ना। मैं शर्म नहीं कर रहा अपने चीज़ वीडियो की मार्केटिंग करने, क्योंकि मैं वैल्यू दे रहा हूँ, और मैं तो यही चाहता हूँ ना कि आप स्मार्ट बनो। क्लियर है? तो सब जगह शेयर कर दो, लाइक टारगेट पूरी कर दो। एक बुक रेफर कर रहा हूँ आपको, क्योंकि बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ट्रैक्शन। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, तो वो जरूर जाके अगर आप बाय कर सकते हो तो बाय कर देना। मैंने दो समरी वीडियोस की लिंक दी गई है कि आप उसको ऑप्टिमाइज, अपने पास उतना टाइम नहीं यार किताब पढ़ने का, तो कोई नहीं, वो दो वीडियो देख लेना भाई। क्लियर है? तो आपको 18 वेज ऑफ मार्केटिंग आप सीख लोगे। इसी तरह से मैं और बहुत सारी वीडियोस लाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।